हमारे यहाँ ये कॉन्सेप्ट भी बन चुका है और बड़ा स्ट्रांग कॉन्सेप्ट बन गया है, जिसको कोशिश करते हैं मैं और आप मिलकर चेंज करने की, कि जिस बच्चे के नंबर्स ज़्यादा आते हैं उसको ये तसव्वुर किया जाता है और ये माना जाता है, तसव्वुर का वर्ड मेरा यहाँ सही नहीं फिट हो रहा, ये माना जाता है बच्चा बड़ा लाइक है, ये बच्चा बड़ा इंटेलेक्चुअल है, बड़ा अच्छा बच्चा है, बात को बड़ी जल्दी फॉलो करता है। इज दिस राइट? एब्सोल्युटली वाइस वर्सा। देखिए होता यह है कि वो बच्चा जिसके बहुत ज़्यादा नंबर हैं एक्चुअली वो क्रैमिंग मास्टर होता है, वो रट्टा लगाने का मास्टर होता है। उसे पता होता है कि सफ़र नंबर 305 की लाइन नंबर 6 पर क्या लिखा हुआ है। ठीक है, उसका अपना जहन तो काम ही नहीं करता, वो ओके, क्रैमिंग कर रहा है। जो ठीक। क्रिएटिव आदमी होते हैं, जो अपना सोचते हैं, उनके नंबर इसीलिए कम आते हैं कि वो टीचर ने टेस्ट पेपर के मुताबिक गाइड बुक के मुताबिक मार्किंग करनी होती है, बच्चे का अपना जेन काम कर रहा होता है। ठीक वो है, कहता है ये ऐसा क्यों है, ये तो ऐसा होना चाहिए, वो अपनी सोच डालता है और हमारा रवायती निजाम तालीम उसे कबूल नहीं करता। मगर एक्चुअली दुनिया में वही तरक्की करता है क्योंकि वो अपनी जिंदगी अपनी सोच तो रखता है कोई ना कोई। जो क्रैमिंग वाले हैं 100% नंबर, देखें जी आपके पास क्वेश्चन पेपर आया है आपने किसके मुताबिक चेक करना है, बुक के मुताबिक। तो जिसने रट्टा लगाया है उसने बुक के राइटर को एज इट इज फॉलो कर लिया, उसके तो नंबर आ गए, और जिसने उसे एज इट इज फॉलो नहीं किया इसका मतलब है उसकी अपनी एक सोच है। तो मैं तो जिसकी अपनी सोच है उसे प्रेफर करता हूं, वो जहीन है।